लोसल पालिका क्षेत्र में जलभराव की समस्या को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष सहित भाजपाइयों ने पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सीकर रोड बालाजी मंदिर और गंगा माता मंदिर के पास काफी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर पालिका ने अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष गोविंदराम बीजारनिया ने बताया कि अगर समय रहते लोसल नगर पालिका जलभराव की समस्या का समाधान नहीं करती है तो पालिका परिसर के सामने वे धरने पर बैठेंगे। ज्ञापन देने के लिए आए लोगों को पालिका अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि एक महीने के भीतर जितनी भी जलभराव की समस्या सामने आ रही है उनकी DPR बनाकर स्वायत्त शासन विभाग को भिजवा दी जाएगी, जिसके बाद लोसल पालिका द्वारा टेंडर जारी कर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। जो कस्बे के अंदर बालाजी मंदिर के सामने पानी भराव रहता है और जो सीकर रोड है उस पर पानी भराव रहता है, गंगा माता मंदिर के सामने जो पानी का भराव रहता है, ये समस्या 3-3.5 साल से भयंकर समस्या बनी हुई है और बार बार नगर पालिका से मांग करते आ रहे हैं, आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका प्रशासन को इसके लिए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान 10-20 दिन रोज में हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, महीने में हो सकता है, लेकिन 3-3.5 साल में आज तक इसका समाधान नहीं हुआ तो ये शर्म आने वाली बात है। और जो भी काम के लिए अगर आते हैं तो उस पर FIR दर्ज कराई जाती है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बालाजी मंदिर के सामने जो पानी का भराव रहता है, इस बारे में हम लोग काफी बार मिल चुके हैं। पहले 5-6 महीने पहले जब बारिश हुई थी उससे भी पानी का भराव हुआ था, तो पानी कुएं के अंदर बारिश का पानी डाला गया था, उस समय यह कहा गया था कि अब स्थायी समाधान होने जा रहा है, आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है और एक गंदा पानी कुएं के अंदर जा रहा है, उससे आसपास की जितनी भी ट्यूबवेल है कस्बे के अंदर उसका पानी खराब हो रहा है और यही हालत सीकर रोड की बनी हुई है, आवागमन में लोग जा नहीं सकते, ऐसी परेशानी पूरे कस्बे में बनी है। वार्ड नंबर 4 से आपने देखा है, 2-4 रोज पहले भी अखबारों में न्यूज भी आई थी, जगह जगह पानी भरा हो रहा है, समाधान हो नहीं रहा है। तो ईओ साहब से हम मिले हैं और ईओ साहब ने ये कहा है कि हम अस्थायी रूप से हमने जो काम किया है ये 2 दिन में शुरू कर देंगे, एक बार अस्थायी व्यवस्था हमने की है और स्थायी समाधान के लिए हम निविदा 20 दिन में जारी कर देंगे। हमारा यह निवेदन यह है कि 20 दिन में अगर स्थायी समाधान के लिए निविदा जारी की जाती है नगर पालिका प्रशासन द्वारा तो ठीक है, वरना हम जन आंदोलन करेंगे। लोसल में पानी की जो निकासी की है, गंदा पानी निकासी ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्या है, पूर्व में नगर पालिका के जो ड्रेनेज के लिए जो नाला बना हुआ था, भूमिगत नाला बना हुआ था, पाइप डाले हुए थे, वो मिट्टी के कारण अवरुद्ध हो गए। अब नगरपालिका द्वारा 4 जगह पर ये पानी इकट्ठा हो रहा है, एक बालाजी का मंदिर के पास में हो रहा है, एक गंगा माता का मंदिर के पास में हो रहा है और एक सेकावाड़ी स्कूल के सामने हो रहा है। बालाजी के मंदिर के पास जो पानी इकट्ठा हो रहा है उस लाइन को पहले हमने कोशिश की थी पर वो काफ़ी गहरी होने के कारण, वो छोटी होने के कारण वो दुरुस्त नहीं हो पाई, अतः नगरपालिका द्वारा अब वर्तमान में उस जगह दूसरी लाइन डाले जा रही है जो 2-3 दिन के अंदर चल के डल जाएगी, वो दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा शहर की अन्य गलियों का जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उसके निदान के लिए नगर पालिका द्वारा एक पूरा सिटी का सर्वे करवा के DPR तैयार करवाई है, जो अनुमान थे 4.25 करोड़ रुपए की लागत थी, वो DPR हमारी बन गई है, उसको टेक्निकल सेंक्शन के लिए हमारे द्वारा हमारे विभाग को स्वायत्त शासन विभाग को भेज दी गई है। तो जैसे ही वहाँ से TS वो अप्रूवल होगी, हम खुद वहाँ पर उनके साथ में लगे हुए हैं, अप्रूवल होने के बाद तत्काल प्रभाव से हम निविदा आमंत्रित कर रहे हैं, लगभग महीना भर में इस समस्या का समाधान हो जाएगा।